हमारे अर्थ पर 3400 से ज़्यादा सांप की प्रजाति पाई जाती है, जिसमें से 600 प्रजाति ही जहरीली होती है और इन 600 में से सिर्फ 200 प्रजाति ही हम इंसानों के लिए डेंजरस होती है। लेकिन फिर भी हम कोई भी सांप देखने पर उसे जान से मार डालते हैं। तो कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए देखते हैं। सांप जब पैदा होते तब उनकी लंबाई सिर्फ 10 सेंटीमीटर ही होती, लेकिन धीरे धीरे वो 7 मीटर तक बढ़ जाते हैं और यह बहुत ज़्यादा लंबाई होती है किसी भी सांप के लिए। आपको यह तो पता ही होगा कि सांप के कभी पैर नहीं होते, लेकिन करीबन 112 लाख साल पहले सांप के भी पैर होते थे, लेकिन धीरे धीरे जनरेशन टू जनरेशन वो लुप्त हो गए और आज भी पायथन सांप के थोड़े बहुत पैर के ट्रेसेस मिलते हैं। आपको मैं ये बता दूं कि अगर आपको एक ब्लैक मांबा ने काट लिया तो आपकी 45 मिनट में मौत हो जाएगी, अगर आपको कोई एंटीवेनम नहीं मिलता है तो। और जिसको भी ब्लैक मामा ने काटा है वो आज तक जिंदा नहीं बचा है। ब्राज़ील में एक आइलैंड है, उस आइलैंड को स्नेक आइलैंड से भी जाना जाता है और वहाँ किसी पर्सन का जाना इलीगल है, क्योंकि वहाँ हर एक स्क्वायर सेंटीमीटर में पर आपको एक सांप मिलेगा। दुनिया का सबसे भारी और बड़ा सांप एनाकोंडा है, जो कि 127 किलो भारी होता है और उसकी लंबाई 9 मीटर तक होती है। हर साल 90,000 लोग मर जाते हैं इन जहरीले सांपों की वजह से। 70% सांप अपने बच्चों को अंडों में देते हैं और 30% सांप अपने बच्चों को इंसानों की तरह पैदा करते हैं। दुनिया के सारे सांप कार्निवोरस होते हैं, लेकिन जो छोटे सांप होते हैं वो सिर्फ इंसेक्ट्स खाते हैं, लेकिन जो बड़े सांप होते हैं वो कुछ भी खा सकते हैं और वो भूख लगने पर इंसानों को भी खा सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि अब हमारी वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।